दोस्तों मेरे हाथ में है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खतरनाक अरबी। दोस्तों आज हम लोग हैं अरबी की ज़बरदस्त फील्ड पर, आप इधर देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ में इस फील्ड के मालिक भी मौजूद है। दोस्तों डिटेल में इनसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, अरबी की खेती के बारे में ए टू जेड जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के अनगिनत वीडियोज़ आपको फार्मिंग तकनीक पर लगातार मिलते रहेंगे। चलिए इस फील्ड के ऑनर से बात करते हैं और इस खेती को डिटेल में जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका एक शॉर्ट में परिचय दे दें। मैं शुभम पटेल, ग्राम बड़गांव पिपलो, जिला खंडवा से। अभी जो हम जिस फील्ड पर खड़े हैं इसको कितना टाइम हो चुका है? इसकी गांठ लगती है। हाँ। इसको लगाने को 15 नवंबर को लगाया था हमने। हाँ। 15 नवंबर से आज 6 महीने करीब की, 6 महीने करीब की फसल हो गई है और ये एकदम तैयार है। तैयार तो है ही दोस्तों, क्योंकि ये हाइट आप देख रहे हैं, ये देखिए लगभग 6 फीट की हाइट इसकी है और बहुत ही शानदार फसल है। दोस्तों मैंने ये फसल बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, क्योंकि हमारे एरिया में नहीं होती है। हम हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर इस वीडियो को बनाने आए हैं। ये फील्ड अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि इसके लिए फील्ड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आप फील्ड कैसे बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारी जो खरीफ सीजन की क्रॉप होती है, जैसे सोयाबीन लेते हैं हमारे यहाँ। हाँ। उसके बाद में हम खेत की जुताई कर देते हैं कल्टीवेटर से। उसके पश्चात जुताई करने के बाद दो बार गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद में रोटावेटर चलाते हैं। रोटावेटर चलाने के बाद में हमारे यहाँ एक हमारी भाषा में मुर्गे बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उससे हम इसमें क्या है कि मनालिया बना लेते हैं। शुभम जी, ये जो आप डिस्टेंस लेते हैं नाली से नाली की, बेड से बेड की या कहें, तो कितनी डिस्टेंस पे आप ये लगाते हैं? एक रो से दूसरी रो की जो दूरी है ये 2 फीट की है। जब हम इसकी बुआई करते हैं ना तो पूरे में संलग्न नाली रहता है। यहाँ पे भी नाली था, यहाँ पे भी नाली था, यहाँ पे भी नाली है। हाँ, हाँ। यानी कि जिस पे मैं खड़ा हूँ ना, इसमें मिट्टी चढ़ाई है हमने, बाद में चढ़ाई है। हाँ, बाद में पहले नाली बनाई। हाँ। उसमें ही सीड लगाते हैं। हाँ, हाँ। और उसके बाद में मिट्टी चढ़ाते हैं। हाँ। तो सबसे इसका प्रोसीजर रहता क्या है? ये जैसे यहाँ पर आप जहाँ पर हम खड़े हैं, ये अभी उथला दिख रहा है, साइड से यहाँ पर डाली गई है। पहले ये नाली थी। ये जो नालियाँ आप बनाते हैं इसकी गहराई कितनी लेते हैं? 8 से 9 इंच गहराई होती है। वो तो हमारे खेत की जुताई पे निर्भर करता है। हाँ। यदि गहरी जुताई है तो अच्छी नाली बनेगी, और जितनी गहरी जुताई करना करे उतना ज़्यादा अच्छा है अरबी के लिए, क्योंकि जितनी मिट्टी नाली में से उठ के ऊपर आएगी उतनी ही मिट्टी हमारे को इसमें बाद में चढ़ाने के लिए बेड बनाने के लिए मिलेगी। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गहरी नाली बनाते हैं, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है हमको, ये ऊपर ही लगी हुई है। जो मिट्टी बाद में चढ़ाते हैं उसमें ये देखिए ये बनी हुई है दोस्तों। और इस एक पौधे में लगभग आधा किलो से प्लस में है इसमें। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं, आधा किलो से प्लस में यहाँ पर अरबी। ये जो अरबी का ये जो क्वालिटी है, हाँ, ये जो लंबाई है, हाँ, ये केवल मिट्टी चढ़ाने के कारण आती है। ये इस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ यदि अपन अभी कम मिट्टी चढ़ाते तो हो सकता था कि इसकी गांठ एकदम छोटी होती, क्योंकि वो खुल जाती। जो गठान इसकी लंबी होती है, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और इसका रेट भी अच्छा मिलता है। और इसमें आप ये बेड प्रिपेयर कर लेते हैं, नालियां बना लेते हैं मतलब। हाँ। उसके बाद में सीड को लगाने के पहले सीड में आप क्या देखते हैं, क्या साइज का सीड लेते हैं आप? सीड यही होता है ना? यही होता है। हाँ। इसका कंद ही इसका सीड होता है। हाँ, अब ये 3 साइज की अरबी है हमारे पास, 3 साइज का सीड हो गया। तो ये जो अच्छी साइज अपने लिए कौन सी है? अच्छी ये वाली, ये ज्यादा बड़ी हो गई, ये ज्यादा छोटी हो गई, इसमें प्रॉब्लम आएगा। ये ज्यादा छोटी होने के कारण क्या है कि बहुत कम जर्मिनेशन सड़ती है ज्यादा, और ये वाली बड़ी होने के कारण हमारे को सीड ज्यादा लगे, क्योंकि सीड का बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा है और रहेगा भी ज्यादा। और ये जो है इसका जर्मिनेशन भी बढ़िया आएगा, बिजाई भी कंद है वो भी हमारे को 6.5 से 7 क्विंटल के करीब कंद लगेंगे 1 एकड़ के लिए। मतलब इसकी जो बीज दर की बात करें तो 6.5 से 8 क्विंटल के करीब आता है। यदि 8 क्विंटल तो 8 से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इसकी साइज पे निर्भर करता है। अब ये सीड सिलेक्ट करने के बाद में सीड ट्रीटमेंट करते हैं या फिर सीड ट्रीटमेंट करते हैं? इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम अविस्टिन लेते हैं या थायरम ले लेते हैं, दो में से एक कोई भी फंगिसाइड ले लेते हैं। और उसके बाद में इसमें वैसे तो इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं होती है, बाकी कोई बीज उपचार करने की जरूरत, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन आता है कभी कभी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसको हम नीचे पूरा गाड़ देते हैं। हाँ। अब नीचे ये करीब इतना नीचे होता है। हाँ। फुटाव इसका बहुत भारी होता है, यानी कि ये लंबा फुटाव छोड़ता है। तो ज्यादा नीचे से आएगा तो उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये लंबी गांठ होगी फिर कवर होना चाहिए,
ज्यादा अंदर तक रहेगी तो अच्छा गार्ड बनेगा, लंबाई अच्छी रहेगी। क्या डिस्टेंस लेते हैं सीड से सीड? सीड से सीड का जो डिस्टेंस होता है हमारा 6 से 7 इंच या 8 इंच का डिस्टेंस होता है। और आप सीड लाते हैं, उसको सुखाते हैं, इसको 6 इंच की गहराई में ट्रीटमेंट करके लगाते हैं। इसके बाद में इसमें सिंचाई का कैसा क्या रहता है? अभी जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपने ड्रिप लगा रखी है, जैसे उसकी ट्रांसप्लांट की या बुआई की, बुआई की उसके बाद में वो जो नाली वाली मिट्टी रहती है वैसे ही उसमें डाल देते हैं। हाँ। इसको गाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ, मतलब इसको रख के और वो मिट्टी आप डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं या डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम खुला पानी देते हैं, यानी कि हैंड टू हैंड इसमें हम ड्रिप। फिर ये जो नालियां बन जाती है इसमें पहले पानी देते, पानी आने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं, 3 से 4 बार जुताई भी करना पड़ती है, 4 से 6 बार, कभी कभी तो ऐसा होता है हर 15 दिन में भी जुताई करनी मतलब पड़ती। कुल्पा चलाते हैं। हाँ, कुल्पा चलाते हैं, करनी पड़ती है कुल्पा चलाना। तो ये कब करते हैं बुआई के? बुआई कब से शुरू करते हैं? बुआई के जैसे ये दिखने लग जाए, जहाँ से दिखने लग जाए कि एक लाइन हमारी क्लियर दिख रही है, उसके बाद में हम इसमें कोल्पा चालू करते हैं। और ये फुटाव लगभग कितने दिन बाद होता है? ये फुटाव को ठंडी में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, करीब 25 दिन लगते हैं। अच्छा। 25 से 30 दिन। हुँ। और यदि अच्छा गर्मी होता है तो जल्दी फुटाव आ जाता है, 20 दिन में भी फुटाव आ जाता है कभी कभी, मगर नवंबर में तो कम से कम 1 महीना तो लेता ही है, 25 से 1 महीना। और ये फुटाव जैसे ही आप ये लगभग 4-5 इंच 3 इंच दिखता है, उसके बाद में कोल्पा चालू करते हैं, चलाना चालू। कोल्पा इसके बीच में यहाँ भी चलता है, यहाँ भी चलता है, पूरे में सलंग चलता है। इसमें क्या होता है कि हमारे को निंदाई गुड़ाई का खर्चा बच जाता है। फिर इसमें अब आखिरी जुताई के पहले, यानी कि आखिरी जुताई के पहले और पहली जुताई के बाद हम इसमें ऊपर से भी उर्वरक डाल देते हैं, इसी रो में डालते हैं, इसी रो में, ताकि जब 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 हमारा जुताई चलेगी या कोल्पा चलेगा तो जो उर्वरक या खाद है वो पूरा मिट्टी में मिलता जाएगा। और इसमें ये ड्रिप आप किस टाइम पर लगाते हैं? ये जो जैसे ड्रिप लगी हुई है, हाँ, ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप लगाने का समय हमारा जैसे कोल्पा हमारा हो गया, कोल्पा यानी कि ये जो इसका समय है निंदाई गुड़ाई का समय यहाँ तक की हाइट का होता है, इसके बाद में तो ये पूरा 1 फीट की हाइट, हाँ, 1 फीट की हाइट से पहले तक जुताई होती है इसमें, यानी कि कोल्पा चलता है। उसके बाद में जैसे जुताई बंद करनी है उसके पहले हम मिट्टी चढ़ाते हैं इसमें, अच्छे से मिट्टी चढ़ाते हैं, कम से कम 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे बहुत प्रॉपर लगभग 2 फीट चौड़ाई में ये मिट्टी चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ाने के बाद ऐसी मिट्टी चढ़ जाएगी, उसके बाद में हम इसमें ड्रिप लगा देते हैं। ड्रिप लगाने के बाद में इसमें कोई झंझट नहीं है, इसके बाद में ड्रिप से खाद चलाना हो, यदि रेट रहेगा तो खाद चलाएंगे, नहीं रेट रहेगा तो खाद कम चलाएंगे, डिपेंड करता है फिर वो। अच्छा, सिंचाई के बारे में शुरू से आखिरी तक बताएं कि इसमें सिंचाई कितने दिन के अंतराल पे किस प्रकार से देते हैं? पानी बहुत आयत लगता है इसमें, बहुत ज्यादा लगता है। और पानी की ही फसल समझ ले इसको, जैसा केली में पानी लगता है ना, उससे भी ज्यादा पानी लगता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं जैसे आज ड्रिप चालू किया तो हम 1-2 दिन तो देखने ही नहीं आते कि ट्रिप चल रहा है। अच्छा, रेगुलर पूरा खेत, हाँ, पानी बहुत ज्यादा लगता है। केली जैसा ही दिख भी रहा है, हाँ। ये क्योंकि ये बिल्कुल केली के तरह ही ये स्टेम जो है इसका प्रिपेयर भी हो रहा है दोस्तों, इसमें पानी है। और पत्ते भी बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। इस फील्ड पे जैसे 6 महीने के आसपास की ये अवधि है, इस फसल की टोटल अवधि वैसे होती कितनी है? ये तो 1 साल तक भी इसको रख सकते है, मगर क्या होता है जैसे ये अरबी, हाँ, यदि इसको ज्यादा समय तक रखेंगे तो ये अरबी में से ये जो 2 अरबियां आ रही है अब ये हो जाएगा, इसका ये बड़ा होता जाएगा, ये फुटा तो ये आगे जाके प्लांट बन जाएगा और इसमें से 2 और गाठे निकल आएगी और 2 गाठों में से 4 और निकल आएगी, तो ऐसे करके ये बढ़ती जाती है, मगर ये वाली अरबी अपने कोई काम की नहीं रहेगी आगे चल के, क्योंकि इसमें से बड़ा प्लांट बन जाएगा और ये खत्म होती जाएगी और नई चालू होती जाएगी। जैसे अभी हार्वेस्टिंग लेना एक ही बार होती है, एक ही बार, तो इसको हार्वेस्टिंग अभी 6 महीने की है, जैसे अब ले सकते हैं इसको? रेडी है। अच्छा, जब भी आप रेट देखते हैं इसके? रेट का है कि रेट जैसे ही रेट बढ़ेगा मार्केट में, हाँ, वैसे ही इसको 1 दिन पहले हम पानी बंद कर देते हैं, क्योंकि ये खुदाई के लिए गेती से खुदता है, हाँ हाँ, और खुदाई में मिट्टी नहीं आना चाहिए, यदि मिट्टी आता है तो प्रॉब्लम आती है, हमारे यहाँ लोकल व्यापारी ही लेते हैं, हाँ, तो उसमें मिट्टी यदि साथ में जाता है तो उसका रेट कम मिलता है, फिर तुलाई के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम 1 दिन पहले पानी बंद कर देते हैं और फिर उसको 2 दिन खुदाई करवा देते हैं। उसके बाद इसमें शुरू से आखिरी तक का जो आप फंगीसाइड या फिर स्प्रे मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में बताएं। स्प्रे के मामले में बता दूं कि आज तक की ऐसी क्रॉप मैंने भी नहीं देखी कि जिसमें स्प्रे नहीं लगता हो, इसमें कोई स्प्रे नहीं लगता। आपने स्प्रे इसमें किया ही नहीं? नहीं, नहीं करना पड़ता है। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये,
आज तक हमने तो स्प्रे किया ही नहीं है, मतलब केवल आपने सीड ट्रीटमेंट किया है जिसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है, खाद देंगे नीचे से बस। और स्प्रे में कभी कभी कोई कोई लोग करते हैं हमारे यहाँ किसान भाई, यहाँ पे क्या होता है कभी कभी इल्ली लग जाता है। अच्छा, इल्ली लग जाता है और वो पत्ते को खाना चालू कर देता है, हरी इल्ली। हाँ, 2017 से मैं खेती कर रहा हूँ, 5-7 एकड़ में हम लगाते हैं अरबी। हाँ, तो उसमें तो आज तक हमने स्प्रे किया ही नहीं। ये फील्ड कितने एकड़ का है? ये 2 एकड़ का फील्ड है, 2 एकड़ का है। और दोस्तों इसमें बीमारी भी देखिए, आप यहाँ पर खुद भी आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। यहाँ पर बीमारी कुछ दिख नहीं रही है क्योंकि आप सामने हैं, जो कुछ है सामने है। और फसल आ भी चुकी है, बहुत शानदार क्वालिटी की है भी। तो इसमें स्प्रे में तो आप कुछ भी नहीं लेते हैं, फर्टिगेशन के बारे में बताएं। फर्टिगेशन के लिए हम थोड़ा बहुत ये यूज करें क्योंकि अभी अच्छा भाव है। हाँ, तो जायज सी बात है कि अच्छा भाव है तो अच्छा उत्पादन भी लेना पड़ेगा, जब भी हमारे को प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग फर्टिगेशन की जो ग्रेड होती है उसको अपनाते हैं। जैसे कि यदि हमारे को ग्रोथ तो कम करवाना पड़ता है क्योंकि ग्रोथ वैसे इसमें ज्यादा होती है, यदि ग्रोथ रोक के नहीं रखेंगे तो इसमें कंद की संख्या कम होती है, बिल्कुल, और ये ग्रोथ ऊपर कर लेगा और कंद कम होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 0-52-34 ज्यादा चलाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो और पोटाश और फास्फोरस ज्यादा चलाते हैं। 4 साल से तो ऐसा हो रहा है, इस बार बहुत अच्छे रेट है, मगर 4 साल से ऐसा हो रहा है कि हमारे को इसमें समझ लो कि जितना लागत लगाते थे उतना ही मिलता था, मगर इस और फिर भी आपने खेती छोड़ी नहीं। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद पे और रिस्क पे मैं बोलूंगा, एक फसल जो है वो रिस्क है तो इसके वाली फसल है, क्योंकि 6 महीने का आप समय इसमें निकालते हैं इस फसल से, उसके बाद में अगर रेट नहीं मिलते हैं, जैसे 4 साल से रेट नहीं थे, कोरोना के कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये कच्ची फसल है, कच्ची मंडियों में बिकता है तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती थी, और फिर मंडियों में बिकता नहीं था, 2-2, 3-3 घंटे मंडियां एक दिन छोड़ के खुलती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। 3-4 साल से तो हम बहुत यानी कि घाटे में इस फसल में, इस बार लेकिन इस बार पूरा निकाल के जाएगी, गजब है, 3-4 साल का पूरा जो। और इसमें जैसे अभी ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पत्तों को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कि ये हार्वेस्टिंग के लिए को देख रेडी कर सकते हैं। जैसे ये पत्ता है, हाँ ये पत्ता है, हाँ अब इसको हम पीछे से देखेंगे तो इसकी जो धारिया है, हाँ इसमें जो ये आ रहा है ये जलने लग जलने लग जाएगी सूखने, और ये जो है ये ब्राउन दिखने लग, ये ब्राउन दिखने लग गया तो समझ लीजिए पकने की स्थिति आ गई है इसकी। मगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि नई रेट है तो इसको अभी 4 महीने भी रोक और चला सकते हैं, पर हाँ ये मतलब हमको यहाँ से दिख जाता है कि अब ये हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे ही ज्यादा टाइम रोकते चलेंगे उतना इसका प्रोडक्शन और बढ़ता जाएगा। और ये हार्वेस्टिंग आप कैसे करवाते हैं? इसकी हार्वेस्टिंग के लिए हम खुदाई करवाते हैं, गेती से खुदाई होती है, मैनुअली होती है इसकी, लेबर से। तो मतलब उसके पहले ये कटवाते हैं, उसके बाद में इनको कटता है, उसके बाद में करीब 1 एकड़ में 30-40 गेतिया यानी कि 60 लेबर लगती है। 60 लेबर, एक तो तोड़ने वाला होता है, एक खुदने वाला होता है, गस्ती से खोदते हैं। तो 30 गस्ती लगती है और 60 लेबर लगते हैं 1 एकड़ के लिए। मतलब इसमें जो भी खर्च मुझे दिख रहा है वो बिजाई में दिख रहा है और लेबर में दिख रहा है ज्यादा के लिए, बस उससे ज्यादा कोई खर्च नहीं है। और फर्टिगेशन का थोड़ा सा ज्यादा होता है इसमें खर्च, क्योंकि गोबर की खाद भी होती है, गोबर की खाद ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड है। गोबर की खाद करीब 4 ट्राली तो कम से कम हम 1 एकड़ में डालते ही। आप बताएं कि 6 महीने की अवधि की ये फसल है, इसके बाद में इसका उत्पादन कितना निकलता है? इसमें अभी उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से मायने रखता है। अभी हमारे यहाँ भी 1 लाट खुदा था तो उसका उत्पादन हमारे को 1 एकड़ में 93 बोरी, हाँ बोरी, हमारे यहाँ बोरी होता है 83 केजी का 83 केजी का लेते हैं। उसमें क्या है कि बोरी का वजन भी कटता है, मिट्टी भी थोड़ा बहुत जाता है उसका भी कटता है, मतलब लगभग 75 से 80 क्विंटल करीब जा रहा है, 7-8 टन के करीब निकलता है। अभी रेट क्या चल रहा है इसका? 40 रुपए किलो, 40 रुपए केजी चल रहा है। तो 60 टन का 2,80,000 रुपए बिल्कुल 60 टन का इसका 2,80,000 आ रहा है। खुदाई लगती है इसमें, बोरी से ही खुदाई लगती है। टोटल ही लागत बताएं सर इसकी, टोटल लागत शुरू से आखिरी तक क्या लागत होती है? आखिरी तक की लागत इसमें 70,000 रुपए लागत पूरा इसमें आ गया, यानी कि अपना बिजाई का भी आ गया। बिजाई का तो रेट पे निर्भर करता है थोड़ा सा, मतलब हाँ एवरेज एक एवरेज लागत आपकी 70,000 है, ज्यादा भी हो सकती है, और बिजाई का रेट कम रहे तो कम भी हो सकती है। मतलब इस बार सर जो मोटा मोटा मैं आपका जो प्रॉफिट इसका अंदाजा लगा रहा हूँ वो 2,80 में से अगर 80 कम करेंगे तो 2,00,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से जा रहा है। मतलब जो आपने नुकसान पहले उठाया है वो रिकवर हो जाएगा। और इसके अलावा इस फसल में और कोई रिस्क है ये बताएं?
इसमें और कोई भी रिस्क नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, यदि हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे जगह तो अच्छी है, यहाँ पे पानी नहीं भरा था, हाँ यहाँ पे जल भराव बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें यदि जल भराव की स्थिति होती है, जैसे हमने कंटिन्यू पानी दिया, आज दिया कल दिया एक हफ्ते तक कंटिन्यू दिया, तो उसमें क्या होगा कि जल भराव यदि होता है तो जल भराव की स्थिति में इसमें क्या होता है कि इसकी गांठों की ये जो रेसे है ये रेसों में कालापन आ जाता है और ये फटने लगता है। जैसे अपनी चमड़ी कभी कभी फटती है ना, उस हिसाब से ये फटने लगता है। जैसे ही फटना चालू हुआ तो इसमें जो गांठे है अंदर जो गांठे वो भी सड़ने लगती है, सड़ जाएंगी, वो सड़ने लगती है वाली, मतलब कुल मिला के वो प्रॉब्लम है। तो इसका एक ही फिर वो ये होता है कि इसमें फंगीसाइड चला के या तो इसको फिर निकाल दे, उस केस में या तो निकाल लो या फिर फंगीसाइड से उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। फंगीसाइड से मेंटेन नहीं होता है वैसे एक बार होने के बाद, और बरसात लग जाती है तो ये स्थिति यानी कि कम होती है। बरसात के बाद में क्या होता है, बरसात के अर्ली उसमें, ज्यादा बरसात होने के बाद में और फिर वहाँ पे पानी भरेगा तो किसी काम की नहीं रहेगा। मतलब कुल मिला के इसको खेत ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे जल भराव नहीं हो, जल नहीं। और इसके अलावा एक और चीज बताएं, इसमें मिट्टी किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे बेहतर ये क्रॉप ली जा सकती है? काली मिट्टी में है, हाँ, भी ये जैसे सबसे देखे। अच्छी मिट्टी इसकी बलुई दोमट मिट्टी होती है जिसमें मैक्सिमम उत्पादन जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये गांठ है, अब ये गांठ एक बार छोटा सा बना, इसको यदि अच्छी जगह मिल रही है, सारी मिट्टी मिल रही है, तो ये जल्दी से बनेगा, जल्दी ग्रो करेगा। तो हमारे यहाँ जिन खेतों में हल्की जमीन में लगता है वो 25 अप्रैल या 20 अप्रैल या 10 अप्रैल से ही खुदाई स्टार्ट हो जाती है, मतलब 5 महीने में ही हो जाती है, ये साइज ले लेते हैं। और एक इसमें और ये एक होता है, ये जो लाल पौधा है ना, इसमें प्रोडक्शन नहीं आता है, इसमें बिल्कुल भी प्रोडक्शन कम आएगा। अच्छा, मतलब ये जो ये तना जिसमें ये रेड दिखाई दे रहा है, कलर का रहेगा ये, जो जैसे हम यदि इसको बिजाई के लिए यूज करेंगे इसको हम उखाड़ के निकाल देंगे, फेंक देंगे। या हमारे यहाँ की बिजाई यदि होती तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये बिजाई हम लास्ट टाइम खरीद के लाए थे, हमने क्या किया लास्ट टाइम, क्या हुआ कि भाव नहीं होने के कारण हमने सभी खेतों में लास्ट में जो अरबिया रह गई थी उसमें रोटावेटर किया था। अच्छा, मतलब तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ बिजाई नहीं बची, तो हम अभी लास्ट टाइम दूसरे के यहाँ से लाए थे, मगर ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये थोड़े बहुत है तो इनको निकाल के अलग। तो आप बिजाई के लिए इसमें से रखने के लिए क्या करते हैं? अभी हमारी जो बिजाई के प्लाट है वो बाद में लगाए थे हमने। अच्छा, इससे लेट लगाए थे, इससे 15-20 दिन या एक महीना लेट। ये पूरा जो प्रोडक्शन लेंगे इनका लगा दिया, उसके बाद में उसको लगाया। तो वो अभी उसकी हाइट कम है, छोटा है, और मगर वो बारिश में बहुत बढ़िया हो जाएगा और करीब वो 1 से 1.5 किलो एक प्लांट प्रोडक्शन देगा। अच्छा, लेकिन रेट उस टाइम गिर जाते हैं, इस वजह से रेट क्या होता है कभी कभी गिर जाते हैं, मगर इस बार नहीं गिरेंगे। अच्छा, इस बार तो हाँ, अभी देख रहे हैं 40 रुपए किलो है तो कोई भी किसान नहीं रोकेगा। और सब कभी 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 रेट कम होते तो सभी किसान रोक लेते तो रेट कम हो जाता। मतलब सीड बनाने के लिए आप केवल करते कुछ नहीं, यही बस इसको रखते हैं आप और रखते हैं। यदि वो प्लाट में भी ये प्रॉब्लम होगी तो उसको पूरा निकाल के बाहर कर देंगे, फिर बढ़िया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सिलेक्ट करके। और इसको हम अगस्त सितंबर, सितंबर में हम इसको निकाल लेते हैं बिजाई के लिए। यदि निकालते हैं तो सितंबर में निकाल के घर पे रख देते हैं, उसको थोड़ा सा पानी टूटता है, उसका थोड़ा सा सूखापन आ जाता है इसमें। इसमें सूखापन आएगा ना तो इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंद है। हाँ। फिर उसको हम 8 से 10 दिन या 15 दिन जो भी 25 दिन जब भी हमारा खेत रेडी हो जाता है घर पे रखने के बाद में इसको खेत में लगा देते हैं। मतलब लगभग जो है 6 से 7 महीने में इस क्रॉप से बहुत कम लागत में अच्छा प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, रिस्क इन्वॉल्व्ड है। रिस्क फैक्टर आपको बताया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम शुभम भाई से बात कर रहे हैं, ये 2017 से इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन इस साल इनको अच्छा प्रॉफिट इससे मिल पाया है। तो रिस्क तो वैसे तो हर खेती में है। इसकी खेती तो हम काफ़ी समय से पापा भी करते आ रहे हैं, मगर मैंने 2017 से खेती स्टार्ट किया है। पापा तो करीब 8 से 10 साल से लगा रहे हैं, अरबी ही लगाते आ रहे हैं। मतलब आप दो पीढ़ियां हो चुकी हैं यहाँ पे जो अरबी की खेती कर रही है। दोस्तों, बहुत बड़े अनुभव को हमने इस वीडियो में शेयर किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत दूर आए हैं घर से, इसके लिए एक लाइक और एक शेयर यहाँ पर बनता है। एक चीज और बता दूं, अगर आप ये सीड चाहते हैं शुभम भाई से तो आप कभी भी इस पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके सीड के लिए आप परचेस कर सकते हैं इनसे। शुभम भाई, आपने जो बहुत बहुमूल्य जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को
ऑन कर दीजिएगा और देखते रहिएगा फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।